फाइनली 4 से 5 घंटे का हम ट्रैवल करके बाइक से और माउंट आबू अभी पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ, एक दो चीजें। अभी हम निकल रहे हैं माउंट आबू के लिए और शाम को हम माउंट आबू से यहाँ आएंगे। तो पहला ब्लॉग मेरा मे बी एक पूरा ब्लॉग माउंट आबू के ऊपर होगा। देन मैं सोच रहा हूँ कल दूसरी जगह जाएंगे, चाचा कोटा या समथिंग कहीं हमने सोचा है, तो वहाँ पे अलग ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हो टी शर्ट मेरी मुसाफिर, और बाकी मैं अपने फ्रेंड्स की भी टी शर्ट दिखाता हूँ आपको। ये हमारे मॉडल्स इन द हाउस। हाय गाइस, टी शर्ट देखो भाई की, भाई टी शर्ट देखो अल्टीमेट। और ये इसकी बियर्ड, ये बंदे की बियर्ड फेमस है। एंड ये हमारा मॉडल, इधर आ जाओ थोड़ा मॉडल। टी शर्ट देखो मॉडल की, भाई साहब हम जा रहे हैं माउंट आबू के लिए। देन मैं आपको वहाँ के जो भी व्यूज हैं वहाँ से देता हूँ आपको। सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। Check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस, तो फाइनली 4 से 5 घंटे का हम ट्रैवल करके बाइक से और माउंट आबू अभी पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ, एक दो चीज़ें हैं। यहाँ लेक है, सनसेट यहाँ का फेमस है और सुसाइड पॉइंट भी है। बाकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर कभी आप माउंट आबू आते हो तो या तो उदयपुर से सुबह सुबह निकलो 5 या 6 बजे, या फिर आप जब लेट आ गए हो ड्राइव करके तो आप यहीं पे स्टे करो। अभी हमारा देखते हैं 5 बजे शायद निकलने का प्लान है यहाँ से, 5 या 6 बजे। उसके बाद यहाँ पे सेफ भी नहीं है, अगर आप निकलते हो तो सेफ भी नहीं है। तो प्लीज़ जब भी आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे ही स्टे कर लो, या फिर क्या बोलते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि सुबह निकलो। तो बस यही था, तब तक मैं आपको व्यू एंजॉय करवाता हूँ।
अमन 40 रुपए की आइसक्रीम खाते हुए, यह धीरेन उनको गूगल नहीं मिल रहा सुबह से अपने स्पेक्स लगा के ही घूम रहे। सो 4 से 5 घंटे हम ट्रैवल करने के बाद इतना टायर्ड हो गए हैं हम फ्रेंड्स लोग, तो ये पूरी जगह हमने विजिट नहीं कर पाया और अब शाम के टाइम 6 बज गए हैं, तो यहाँ से इसके बाद लेट जाना सेफ भी नहीं है, तो हमने सोचा है अब निकलते हैं। और बट यहाँ पे प्लेसेस बहुत अच्छी अच्छी हैं विजिट करने के लिए, बहुत सारे टेंपल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी गार्डन्स हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, सनसेट पॉइंट है तो आप विजिट कर सकते हो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे हिसाब से बैचलर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है कि आप ट्रैवल करके 4 घंटे से 5 घंटे ट्रैवल करके आओ और फिर यहाँ पे बैचलर्स के लिए इतना, मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगा। बट अगर आप पार्टनर के साथ हो या फिर आप फैमिली के साथ हो तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो इस प्लेस को। तो कल हमारा चाचा कोटा का प्लान है, तो और कल हम उधर विजिट करने वाले हैं एंड आज थोड़ा टायर्ड थे उस वजह से हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है और उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालने वाला हूँ। सो आप तब तक वीडियो एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।